प्रभात बच्चों, हमने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पहले भी पढ़ लिए हैं, तो हमें इसका अभ्यास करना है क्योंकि अभी भी हमारा गलत हो रहा है। अभी भी आप लोग जब भेजते हैं करके तो वो गलत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक रचना की दृष्टि से और दूसरा अर्थ की दृष्टि से। तो हमें नाइन्थ में रचना की दृष्टि से उसको पहले देखना है। तो रचना की दृष्टि से कितने थे, सरल, संयुक्त और मिश्र, ये तीन है। तो ये हमें कक्षा दस में पढ़ना है। कक्षा नौ में हमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़ने हैं, जिसमें हमने आपको इसके भेद बताए थे। पहला विधानवाचक है, विधानवाचक, दूसरा है विधिवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा निषेधवाचक, पांचवा इच्छावाचक, छठा संदेहवाचक, सातवां विस्मयादि बोधक वाला। तो इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जितने प्रश्न करेंगे उसी से हमको समझ में आएगा कि कौन सा वाक्य क्या है। तो आपके प्रश्न इस आधार पर आते हैं, जैसे पहला आ गया अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों की पहचान कर इसके भेद लिखिए, ठीक है। तो वो कोई वाक्य लिख देंगे और उसका भेद आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले भगवान करे सब कुशल मंगल, सकुशल लौटे या कुशल मंगल लौटे। तो इसमें क्या पता चल रहा है, ये क्या है, ये एक इच्छा है, ये हमारी इच्छा है कि भगवान करे कि सब सकुशल लौटे। तो ये कौन सा वाक्य होगा, इच्छावाचक। दूसरा है मैं कल बम्बई गया था, ठीक है, मैं कल बम्बई गया था। तो ये साधारण वाक्य, सामान्य वाक्य है, तो ये विधान वाक्य कहा जाएगा, विधानवाचक वाक्य। अगला आपका है धत सब, उसके बाद विस्मयादिक बोधक का चिन्ह लगा है और सब गड़बड़ हो गया। तो उस चिन्ह से तो आप बहुत सरलता से पहचान लेंगे, जहाँ चिन्ह है वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। अगला है दस बज गए तुम, अब तुम जाओ। तो यहाँ पे क्या है, तुम जाओ, तुम चले जाओ। तो ये क्या, कब कहते हैं, ये एक तरह की आज्ञा है, ठीक है, वो कह रहे हैं तुम यहाँ से चले जाओ। तो यह कौन सा हो गया, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। अगला है सोहन मैदान में फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ भी एक साधारण वाक्य है ये, तो ये विधान है कि मतलब बच्चे खेलते ही हैं, तो मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, तो ये एक साधारण एक वाक्य है। तो इसको क्या करेंगे, विधानवाचक वाक्य कहेंगे। अगला है मैं आज बाजार नहीं गई। तो नहीं जहाँ पे आएगा वो कौन सा हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। नहीं और विस्मयादि पहचानना बहुत आसान है, जिसमें नहीं लगा है वो निषेधात्मक और जिसमें विस्मयादि का चिन्ह लगा है वो तो विस्मयादि हो ही जाएगा। अगला है निम्नलिखित, दूसरा प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं वो लोग, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। इसमें पहला वाक्य है यह पत्र वहाँ पहुँचाना है, इसको क्या करना है, इसको आज्ञावाचक में बदलना है। तो आज्ञावाचक में क्या करोगे, अभी क्या था ये साधारण वाक्य था, अब इसको क्या करना है, इस पत्र को वहाँ पहुँचा दो। पहुँचा दो तो मतलब वो आज्ञा दे रहा है कि इसको वहाँ पहुँचा दो। तो ये कौन सा हो गया, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। दूसरा है उसने सारा काम कर लिया, इसको निषेधात्मक वाक्य बनाना है। तो ये तो आप सब आसानी से बना लोगे, उसने कोई काम नहीं किया, जहाँ नहीं लग गया, या ये ऐसे बना सकते हो उसने सारा काम नहीं किया। तो नहीं यहाँ जहाँ लग गया वहाँ निषेधात्मक वाक्य अपने आप बन जाएगा। अगला है यदि वह काम करता तो भूखा नहीं मरता, इसको विधानवाचक वाक्य बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे, वह काम करने पर भूखा नहीं मरता, ठीक है, वह काम करने पर भूखा नहीं मरता, ये विधानवाचक वाक्य बन गया। अगला है वहां जाकर बैठो, इसे निषेधात्मक वाक्य बनाना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप, वहां जाकर मत बैठो या वहां जाकर बैठना नहीं, ये दोनों वाक्य निषेधात्मक वाक्य हो जाएंगे। अगला है चंदन बीमार पड़ गया, इसको विस्मयादि करना है। तो इसको कैसे करेंगे, अरे चंदन बीमार पड़ गया, अरे चंदन बीमार पड़ गया, ये क्या हो गया, विस्मयादि हो गया। इसी तरह कुछ प्रश्न ऐसे पूछते हैं विधानवाचक वाक्य में बदलिए। अब इन सभी वाक्य को विधानवाचक यहाँ पे जो है उन्होंने एक अलग अलग नहीं दिया, एक सारे वाक्य को विधानवाचक में ही बदलना है। सबसे पहले गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना, इसको क्या बनाएंगे, गांधी जी का नाम सबने सुना है, साधारण वाक्य बन गया ना ये, तो ये विधिवाचक बन गया। दूसरा है उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, तो इसको विधिवाचक कैसे बनाएंगे, उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा मतलब उसने हर उपाय कर लिया है, तो विधिवाचक में यही बनेगा, उसने हर उपाय किया। अगला है क्या बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, इसको विधानवाचक ही बनाना है। तो
तो सीधे आपको करेंगे क्या हटा देंगे, प्रश्नवाचक हटा देंगे, सीधा हो जाएगा बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, ये विधानवाचक साधारण वाक्य बन गया। अगला है सभा ने नेताजी का भाषण नहीं सुना, ये निषेधात्मक वाक्य है, इसे विधानवाचक बनाना है। सभा ने नेताजी का भाषण सुना, ये आपका विधानवाचक हो गया। अगला है शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा, ये यहाँ पे संदेह है, तो यहाँ पे अगर हमको विधानवाचक बनाना है तो साधारण वाक्य बनाना है आज वर्षा होगी, तो ये विधानवाचक बन गया। इसी तरह है प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए, कुछ वाक्य दे देंगे और प्रश्नवाचक में बदलना होगा। पहले सुरेश ने पत्र लिखा, तो क्या करोगे इसको प्रश्नवाचक में, क्या सुरेश ने पत्र लिखा। अगला है तुमने काम पूरा कर लिया, इसको क्या करोगे, क्या तुमने काम पूरा कर लिया। मैं अपनी बात कर चुका हूँ, तो क्या मैं अपनी बात कर चुका हूँ, ये प्रश्नवाचक बन गया। कपिल वस्तु जाना अब संभव नहीं, तो इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे क्या होगा, क्या कपिल वस्तु जाना अब संभव नहीं है। अगला है युद्ध में जय बोलने वालों का ही महत्व है, तो इसको प्रश्नवाचक बना क्या बनेगा, क्या युद्ध में जय बोलने वालों का ही महत्व है। अगला है मेरा पत्र आपको मिला, क्या मेरा पत्र आपको मिला, तो इसमें भी क्या लगा देंगे कि प्रश्नवाचक बन जाएंगे। अब कुछ वाक्य दिए उन्हें निषेधात्मक करना है, तो निषेधात्मक तो आप कर ही लोगे, यह काम कर दिया, यह काम नहीं किया, अरे सुरेश स्कूल जाएगा, अरे सुरेश स्कूल नहीं जाएगा, या सुरेश स्कूल नहीं जाएगा, इसमें विस्मयादि वाला चिन्ह हटा ही दीजिए, सुरेश स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप समझिए, और आपके पास जो व्याकरण की किताब है उससे आप अभ्यास करिए, और मैं आपको आज कुछ प्रश्न दे भी रही हूँ जिनको आप करिएगा, समझने से ही चीज़ें आएंगी, अभ्यास करने से ही चीज़ें आएंगी, तो आपके व्याकरण में बहुत ज़्यादा, आपके व्याकरण में कुछ नहीं है, शब्द निर्माण है अर्थात उपसर्ग प्रत्यय है, दूसरा समास है, तीसरा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है। तो हम उपसर्ग प्रत्यय कर चुके हैं, समास पहले कर भी चुके हैं, लेकिन अब हम समास की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि समास में हम ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद तो हम लोग कई दिन प्रैक्टिस कर चुके हैं, मेरे मतलब मुझे उम्मीद है कि आप अप्रैल में इससे अच्छा कर लेंगे, ठीक है। बच्चों ये पूरे नंबर ले आते हैं, ग्रामर में फुल मार्क्स मिलते हैं इसलिए, और इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है, बस थोड़े से शब्द अपनी तरफ से जोड़ के बदलने हैं, और इससे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप राइटिंग पे ध्यान दीजिए, मात्राओं की गलती कम से कम हो, और अभी तक जितने भी पाठ करा दिए गए हैं वो आपको पूरे कर लेने, क्योंकि कभी भी आपसे कॉपी चेक करने के लिए मांगी जाएगी, ठीक है। हाँ पहले एग्जाम भी होने हैं, तो आप अपने हिसाब से तैयार रहिए, और आपका कुछ भी नहीं हुआ है तो मुझे बताइए समय से, क्योंकि मैं बाद में आई हूँ, कुछ चीज़ें छूट ना जाएं, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो मैं फिर से दोबारा पढ़ाऊँगी उसे, तो लेकिन आप मुझे बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही।